नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं। आज दिन भर की चार बड़ी खबरों के साथ, प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर हैं, 2014 बैच के लोकेश कुमार जांगिड़ा, इनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं का कारण क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कुछ ऐसे अफसर हैं जो जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, उनका बार बार तबादला कर दिया जा रहा है। इसी तबादला से परेशान, एक तरह से कह सकते हैं निराश, इन आईएएस अफसर ने अपना दर्द बयां किया है। हरियाणा के अशोक खेमका की तर्ज पर ट्रांसफर का दर्द इन्होंने बयां किया है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक इन्होंने पंक्ति लिखी है, एक तरह से शायरी लिखी है। इस पर कहा है कि ईमानदारी तेरा किरादार है तो खुदकुशी कर ले, सियासी दौर को तो जी हजूरी की जरूरत है। उन्होंने दूसरी शायरी भी शेयर की, तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सरकार ने सीनियर अधिकारी की बातचीत वायरल करने पर लोकेश जांगिड़ा को शोकाज नोटिस भेजा। लोकेश कुमार जांगिड़ा का व्हाट्सएप स्टेटस सरकार की कार्यवाही पर उनकी तरफ से कटाक्ष माना जा रहा है। वहीं लोकेश के समर्थन में भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा है कि उन्होंने बड़वानी में अच्छा काम किया है। आप समझिए कि जो पार्टी सत्ता में सीन है, उन्हीं पार्टी के राज्यसभा सांसद एक आईएएस ऑफिसर की तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने के बावजूद भी सरकार ने उनका तबादला कर दिया और अब उनका उन आईएएस ऑफिसर का दर्द छलकने लगा है। भाजपा सांसद राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने लोकेश जांगिड़ा का समर्थन करते हुए सांसद ने तारीफ में कहा कि उन्होंने बड़वानी में अच्छा काम किया। हालांकि उनके तबादले पर सवाल किया गया तो बोले कि सरकार का यह काम है, वह देख लेगी। तो ये आईएएस ऑफिसर जो हैं वो भी अपनी खुश नहीं दिख रहे हैं अपने तबादले से, और बार बार वो कई बार उनका तबादला किया जा चुका है। इसके पीछे का क्या वजह है यह भी एक चर्चा का विषय है। फिलहाल बात करते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की। आपको पता ही है कि हमेशा से ही मैहर से विधायक बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी मुखर होकर जन समस्याओं को उठाते रहे हैं और उस पर बात करते रहे हैं, खुलकर चर्चा करते रहे हैं और खुद सरकार से मांग करते रहे हैं। ये बीजेपी के अपने विधायक हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में बकायदे उन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के चलते छात्रों से वसूला जाने वाला परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की है। नारायण त्रिपाठी पहले भी कई बार जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिख चुके हैं। दरअसल आप समझिए कि बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं, जिनमें भी परीक्षा शुल्क लिया गया है, आप समझिए कि ना ही उत्तर पुस्तिका लेना है और ना ही टीचरों को ड्यूटी पर लगाना है कि आप परीक्षा में रहिए। इसके बावजूद आप सीधे तौर पर देखेंगे तो कोई खास इतना खर्चा नहीं आ रहा है मंडल का, बोर्ड का, जितना परीक्षा शुल्क लिया गया है, और परीक्षा शुल्क में कमी नहीं की गई है, फीस में कोई कमी नहीं की गई है। सतना जिले के मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा प्रदेश के 10वीं एवं 12वीं के लगभग 7 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दी गई थी। ऐसा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसे में बच्चों को जनरल प्रमोशन कर के माध्यम से अगली कक्षा में पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि पहले बच्चों से परीक्षा शुल्क लिया जा चुका है जो लगभग 180 करोड़ रुपए था, प्रदेश भर का यह आंकड़ा है। यह राशि मंडल के पास जमा है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि ना परीक्षा हुई है और ना ही उत्तर पुस्तिकाएं और ना ही प्रश्न पत्रों की व अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे में क्या जरूरत है कि मंडल वह पैसा अपने पास रखे या कि सरकार वह पैसा अपने पास रखे? क्या उस पैसे को लौटाया नहीं जा सकता है? बेहद अच्छी बात है कि बीजेपी के अपने विधायक ने ही इन जन समस्याओं को उठाते हुए, जितनी आप कोरोना के बाद की स्थिति को देखिए कि एक तरह से आप देखिए कि आर्थिक तंगी से देश और प्रदेश जूझ रहा है। अभिभावक परेशान है कि वो अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करें, कैसे उनके ऑनलाइन कैसे वो अपने बच्चों को पास करवाएं कि जो भी लोग वोर्ड में रहे हों, और ऊपर से जो समस्याएं हैं उसको लेकर अब बीजेपी विधायक भी सामने आने लगे हैं और अभिभावकों का साथ देने लगे हैं। अब बात करते हैं तीसरी और बड़ी खबर की।
तीसरी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस के अंदर खाने में जब आप ध्यान से करीब से देखेंगे तो आपके आपको कांग्रेस के भीतर से विरोध के स्वर कहीं ना कहीं से जरूर दिखाई दे जाएंगे। हालिया दिनों में जिस तरह से आप पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को देख लीजिए, अरुण यादव को देख लीजिए, और फिर उसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से हर जगह प्रभारी नियुक्त किए उसमें भी विरोध देखा गया। ये आप मतलब अक्सर ये बात आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में विरोध का स्वर कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन रहता जरूर है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की बंद कमरे में अक्सर मुलाकात होती है। आप वन टू वन सीएम भी चर्चा करते हैं, अगर किसी मंत्री से बात करना हो तो अधिकांश आपने देखा होगा कि जो भी लोग असंतुष्ट रहते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे वन टू वन चर्चा करते हैं। लेकिन अब देखा गया है कि प्रदेश कांग्रेस में कुछ ऐसे जो नेता हैं जो असंतुष्ट माने जा रहे हैं उनसे बंद कमरे में उनकी नाराजगी का कारण जानने के लिए प्रयास किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस संगठन के द्वारा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने आज प्रदेश के सिर्फ दो कांग्रेस नेताओं से भेंट की, इसमें से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और दूसरे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हैं। यह दोनों नेता किस जमाने में मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में जाने जाते थे। पहले विधानसभा चुनाव की आप बात कर लीजिए, उस पर भी आप देखेंगे तो जब आप ध्यान करेंगे तो अजय सिंह राहुल का उसमें जिस तरह से रोल था, उन्होंने विंध्य में किस तरह से प्रतिनिधित्व किया था, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े नेता अब क्यों असंतुष्ट माने जा रहे हैं। इस असंतुष्टि का कारण जानने के लिए कांग्रेस के द्वारा कवायद की जा रही है। वहीं अगर आप बात करेंगे सुभाष यादव के पुत्र की बात करेंगे अरुण यादव की, तो उनकी भी राजनीतिक विरासत वो सुभाष यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर वो भी मुखर होकर कहीं ना कहीं उनमें भी असंतोष के स्वर देखे जा रहे हैं। ये एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कांग्रेस के द्वारा जिसमें संजय कपूर पूरे प्रदेश की राजनीति की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो शीघ्र ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपी जा सकती है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई थी। आपको याद होगा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दोनों ही नेता अरुण यादव और अजय सिंह पिछले दिनों मुखर हुए थे। इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से बयान देकर कमलनाथ के फैसले और बयान पर सवाल उठाए थे। अरुण यादव ने ग्वालियर के हिंदू महासभा नेता को कांग्रेस में प्रवेश दिलाने का खुलेआम विरोध किया। उनका मानना था कि इससे पार्टी के प्रति जनता में अच्छा संदेश नहीं गया है। इसी मामले में बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ठीक इसी तरह विंध्य क्षेत्र के मजबूत नेता, एक तरह से धाकड़ नेता अजय सिंह ने कमलनाथ के उस बयान पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा था कि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की कम सीटें आने के कारण सरकार चली गई है, सिंधिया और सिंधिया के गुट के बीजेपी में शामिल होने के कारण सरकार नहीं गई है, विंध्य का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है, विंध्य से कम सीटें आई हैं, इस वजह से जो कांग्रेस की सरकार है उसे गिरा दी गई थी। इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई है और उन्होंने खुलकर इसका एक तरह से विरोध भी किया था, सतना में वो विरोध किए थे। दरअसल आप समझिए एक बार क्या था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, उसमें हमारे विंध्या टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी ने ये सवाल उठाया था कि उसी सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह कहा था कि हमारी सरकार विंध्य में प्रतिनिधित्व की कमी के कारण चली गई थी, जिस पर काफ़ी रोष देखा गया। और अब उन तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश अब कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस अपने अंदर खाने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। विपक्ष में कोई भी रहता हो वो तमाम उन मुद्दों को बहुत बारीकी से उठाता है और बढ़ चढ़कर उन हिस्सा लेता है। आप उन तमाम अतिथि विद्वानों को देखिए जो महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तमाम वो उन विद्वानों को देखिए जिनकी नियुक्ति की जाती है, जिनके नियुक्ति के दम पर ही बच्चों का भविष्य निर्भर रहता है। उन लोगों को साधने के लिए जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश करती है और उन मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाती है, वहीं जब बीजेपी रहती है तब बीजेपी भी उठाती है। दरअसल आरोप लगाया गया है कि जो ये नेता हैं वो उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए
और पीछे छोड़ देते हैं और अपनी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मांगे दब जाती है। आप समझिए कि अतीत विद्वानों का जिस तरह से पढ़ाई में अहम योगदान रहता है, महाविद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हीं के जिम्मे ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, नियमित करने के लिए, उन्हें नियमित करने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब विपक्ष में रहती हैं तो दोनों लोग वादे करते हैं। और इन मुद्दों को आप प्रदेश के अगर 10 मुद्दों को गंभीरता से देखेंगे और 10 मुद्दों को अगर आप चयन करेंगे कि आखिर प्रदेश के 10 बड़े मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव को फोकस किया जाएगा, जिन पर विपक्ष फोकस रहेगा, तो उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि नियमित करने की कवायद की जाए। लेकिन बीजेपी जब विपक्ष में आई थी, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी, तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब वो उस मुद्दे को वो भूल गई है। अतीत विद्वानों ने कहा है कि कोरोना से तो हमने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन हम लोग को नियमित कब किया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल उठाए गए हैं और एक तरह से विरोध भी जताया गया था। ये थी आज 4 बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।